ශීඝ්‍ර වෙන්නවා. वैसे तो साल में मेरे तीन चार जन्मदिन बनते हैं, कभी तिथि से, कभी वार से, कभी इंग्लिश डेट से, इस तरह बनते हैं. उन जन्मदिनों में और ये जन्मदिनों में फर्क ये है, मुझे लगता है मेरे माँ बाप मेरा जन्मदिन मना रहे हैं जब मैं यहाँ आता हूँ. और जब बाहर बनाता हूँ तो ऐसा लगता है कि शिष्य मना रहे हैं मेरा जन्मदिन, और यहाँ मेरे अपने लोग, मेरा अपना घर, मेरा आनंद, कहीं जाने आने की कोई टेंशन नहीं, और कोई स्पीच या साधना बोलने की क्या टेंशन है, बस आनंद के साथ जन्मदिन मनाओ. अभी आते आते माता जी से यही बता रहा था कि मेरे जीवन के 40 साल तक शायद मैं कभी जन्मदिन मनाया नहीं. हाँ, जब शादी हुई, पत्नी को पता चला, तो हम दोनों या कोई ऑफिस के दोनों आते थे और जन्मदिन यहीं पर स्वीट वगैरह बना के चलाते थे. लेकिन जैसे ही मैंने गुरुजी का जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया, वो क्या है कि हम गुरुजी को आंवला देते हैं और हम नारियल लेते हैं, ऐसे कहावत है. मैं गुरुजी को उतना कुछ नहीं करता, लेकिन आज गुरुजी ने मेरे अपने लोगों ने देखो कितना अच्छा सजाया है, 4-5 दिन से लगे हुए हैं और मेरा जन्मदिन इतना धूमधाम से मना रहे हैं. ऐसा लगता है कि मेरा गुरुजी की कृपा से कोई पूर्व जन्म का पुण्य है जो आप सब मुझे मिले और मुझे इतना प्यार देते हो. आज सुबह मैं हमारे हिमेश से बात करते हुए कह रहा था कि हिमेश, संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो प्यार मुझे मिला गुरु कृपा से, वो शायद ही किसी को मिलता है. सब लोग अपने अपने जगह के लिए अकेले, सब लोग अपनी अपनी जगह अकेले अकेले हैं, लेकिन परम पुण्य सदगुरुदेव जी की कृपा से, चाहे फोन पे हो, आजकल तो फोन है, हर एक कल रात में 12 बजे से बर्थडे के विशेष शुरू हो गए, आज सुबह हुए, वहाँ था 21 फरवरी को, वहाँ जन्मदिन की शुभकामनाएं दिए, और गुरुजी का जन्मदिन हो तो भी शुभकामनाएं मुझे ही आती. बात यह है कि मैं कितने बार पैदा हुआ और कितने बार आपको आनंद बांट रहा हूँ, ये आपके ऊपर निर्भर. बस जीवन का यही एक लक्ष्य है कि जिस आनंद के साथ हमें मना रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखें, आने वाला जमाना हमें याद रखें कि निखिल चेतना केंद्र आज जिसके बारे में भारत में सभी लोग कह रहे हैं कि एक निखिल चेतना केंद्र ही साधना स्थली है जहां जाकर हम साधना कर सकते हैं या साधना कर सकते हैं, ऐसी बात है. मैं उन सभी की इच्छाओं को, इच्छाओं की पूर्ति के लिए आने वाला कल भी लोग बोल लें कि हाँ, हम भारत में सभी जगह घूम के आए लेकिन साधना का क्षेत्र देखते हैं तो हम निखिल चेतना केंद्र में देखते हैं. यह कार्य आने वाले पीढ़ी तक हो. बस हमारा रायपुरोल शर्मा, मैं बोल देता हूँ और वो कार्य करते रहता है. अभी कहाँ कार्य पेंडिंग है, वो ने उसने मंदिर की अपनी पूरी कार्य उसके तरफ से कर दिया, अब मेरे तरफ से पेंडिंग ज़्यादा है. अब चिंता इस बात की है कि कब उसको पैसे दूँ और कब मंदिर आरंभ करूँ, और वो पैसे आने में आजकल अब छोटी सी बात तो है नहीं, लेकिन अभी माता जी कहती हैं तुम इतना क्यों फिक्र करते हो जाएगा ना. सभी लोग अपने, जो भी मेरे अपने हैं, सभी लोग कहते हैं कि इतना फिक्र क्यों करते हो जाएगा ना. हो जाएगा नहीं, मुझे मालूम, यहाँ के लोगों को, यहाँ के हमारे साधकों को, आश्रम में रहने वालों को मालूम है गुरुजी के जीव के ऊपर से कब कोई कार्य निकल जाए, और एक घंटे में ना हो ऐसा हो नहीं सकता. गुरुजी इतना स्पीड में करवा दें कार्य, और मैं यह भी कार्य उतने ही स्पीड से हो, उतने ही जल्दी हो, ऐसा मैं सोचता हूँ कि यहाँ आश्रम में गुरुजी का मंदिर हो, दशमाविद्याओं का मंदिर हो, और यहाँ का एक एक पत्थर गुरुजी की मूर्ति बोले, साधकों के लिए बात करें,
और उनके साधनाओं में सफलता प्रदान करे। आने वाले 400 साल भी पीढ़ियों में ये बोल ले कि निखिल चेतना केंद्र एक साधना स्थली है और यहाँ साधनाएं होती है। जीवन का बस ध्येय यही है कि मैं कुछ एक गुरु बन के चलना या गुरु बन के रहना या ऐसा नहीं, मैं केवल चाहता हूँ कि भारत में गुरु जी का नाम हो। ऐसे लोग, ऐसे संस्कार वाले लोग बाहर आए जो ऋषि परंपरा के हो। मेरा एक एक मेरे साथ जुड़ा हुआ शिष्य हो, गुरु भाई हो या गुरु जी का मंत्र लेने वाला हो, वो ये कह सके कि हम अकेले भी जंगल में रहकर हजार लोगों को खिला सकते हैं, हजार लोगों को पाल सकते हैं, ये शक्ति हम रखते हैं, ये सामर्थ्य हम रख सकते हैं। जिस दिन ऐसा कार्य होगा उस दिन मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। जिस दिन इतना सामर्थ्य मेरे एक एक शिष्य में, एक एक गुरु भाई में आएगा, उस दिन समझूंगा कि मैंने निखिल चेतना केंद्र की स्थापना यूं ही नहीं की, उसके पीछे मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। बस ये चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी निखिल चेतना केंद्र को याद रखें और गुरु कृपा इसके ऊपर इतनी बरसें कि भारत में इसका नाम हो कि यहाँ एक यह साधना स्थली है और यहाँ साधना करने पर हमें उसकी सफलता मिलती है। मैंने बहुत सारे लोगों से आजकल सुन रहा हूं कि गुरुजी जो कार्य आप कर रहे हैं, हम भी पूरा भारत घूम के आए, लेकिन ऐसा बैठकर आपको केवल साधना कर लो, आपको किसी बात की चिंता नहीं करने वाली, इस कार्य करने वाला साधना स्थलीय आश्रम पहली बार हमने यहाँ देखा है और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि ऐसा ही कार्य आगे भी चले, मेरे आश्रम में किसी प्रकार की कमी ना हो, हर एक आदमी आनंद के साथ रहे और वो जो आता है उसकी इच्छा पूर्ण होकर हंसते हुए यहाँ से जाए, कोई अपने दुख से यहाँ ना जाए, कोई किसी प्रकार का दुख लेकर न जाए, वो जाते समय यह कहकर जाए कि मैं निखिल चेतना केंद्र से संतोष, सुख और आनंद को लेके जा रहा हूँ, बहुत कृपा गुरु कृपा है, यहाँ आने से वो प्राप्त हो, ऐसी गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आप सभी का आज फिर एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा मैंने कहा, गुरु जी को मैंने छोटा सा आंवला दिया और इतना बड़ा नारियल लिया, देखो कितना बड़ा सजा हुआ। वैसे ही गुरु जी की बात तो छोड़ो, मैं भी अपने गुरु भाइयों को क्या देता हूँ, एक शर्ट या एक शेरा वाला केक कट कर देता हूँ और उन्होंने देखो मेरे लिए कितना किया है, तो मेरे शिष्यों को, मेरे गुरु भाइयों को भी मैंने इतना ही किया है, छोटा सा देता हूँ इतना बड़ा लेता हूँ। आप सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना सुंदर स्टेज सजाया और आज मेरे लिए आपने ये सब किया। बहुत आनंद के साथ आप शिविर अपने इस जन्मदिन का आनंद लें। अब हम थोड़ी देर में केक कट करेंगे और आप सब लोग खुशी के साथ नाचते गाते खाते हुए जन्मदिन को मनाएं, ऐसी आशा रखता हूँ। आपको आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे हम जन्मदिन और भी मनाएं, मेरा जन्मदिन और आपका जन्मदिन इतनी खुशी के साथ मनाएं, इस आश्रम में इतना ऐश्वर्य, इतना सब कुछ यहाँ हो, जैसा कहा करते थे कि वशिष्ठ और विश्वामित्र के आश्रम में कामधेनु थी, वहाँ सोने की ईंट लगी हुई थी, मेरे आश्रम में भी मैं चाहता हूँ कि सोने की ईंट लगे और हर एक शिष्य कहे कि यहाँ भी कामधेनु है, यहाँ भी कल्पवृक्ष है, यहाँ भी इच्छाएं पूर्ण होती है, हर प्रकार के, कोई खाली हाथ यहाँ से नहीं जाता, ऐसा आश्रम बनाना चाहता हूँ, ऐसा ही निखिल चेतना केंद्र बने और ऐसी आशा रखता हूँ। गुरु जी के चरणों में ही बार बार प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यहाँ से कोई निराश न जाए, कोई खाली हाथ न जाए, आनंद के साथ, सुख के साथ जाए, ऐसा इस निखिल चेतना केंद्र पर आपका कृपा वर्षा करें और हमारे पर भी ऐसे आशीर्वाद प्रदान करें। आने वाली पीढ़ी हमारे लिए कह ले कि यह कोई कार्य हुआ है और यह कार्य होना चाहिए, जहाँ कार्य कुछ नहीं हुआ वहाँ कार्य हो, वहाँ यहाँ आनंद अनुभव करें। आपने आज मुझे जिस प्रसन्नता के साथ यहाँ घर से यहाँ लेके आए, यहाँ आश्रम में घूमे, लगता है कि मैं मेरे आश्रम में नाच रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ये मेरा आश्रम है और यहाँ मैं किसी भी तरह रह सकता हूँ। दूसरी जगह मुझे बंधनों में रहना पड़ता है, यहाँ ये करूँ या ना करूँ, वो क्या कहते हैं, यहाँ कोई नहीं, यहाँ सब मेरे अपने हैं और मेरे अपनों के साथ मैं बहुत आनंद के साथ आज जन्मदिन मना रहा हूँ। और यह जन्मदिन आप कहो तो आप मेरे माँ बाप हैं, आप कहो तो आप मेरे बच्चे हैं, बच्चे रहकर माँ बाप का आज जन्मदिन मना रहे हैं या माँ बाप बनकर बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं, दोनों में होते हैं और मैं ये दोनों प्रकार की खुशी या प्रसन्नता को मैं यहाँ अनुभव कर रहा हूँ। आप सभी को पुनः आशीर्वाद देता हूँ, आनंद के साथ हम यहाँ केक कट करें और आनंद के साथ ही जन्मदिन को मनाएं, खूब खुशी के साथ, प्रसन्नता हो, आप प्रसन्न रहें, आनंद रहे, यहाँ खाली हाथ ना जाए, ऐसा ही आशीर्वाद देता हूँ। और एक बात जय घोष करेंगे, जिस गुरु के कारण आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और ये सब अनुभव कर रहे हैं, उन गुरु जी का जय घोष करेंगे। बोले परम पुण्य सद्गुरुदेव भगवान की जय, वंदनीय माता जी की जय, गुरु गुरुदेव की जय, सर सिद्धाश्रम की जय, सर सिद्धाश्रम सारे परिवार की जय, बोले हर हर महादेव। सभी लोग यहाँ बैठे बैठे, बहुत लोग माता जी से बैठे थे, अब पुराने लोग होने के कारण रोहिणी हो, पद्मजा हो, शिवा हो,
ये सब लोग कहते हैं, गुरु जी इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं आप आश्रम के बारे में, हमारा हरे कृष्णा हो, इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं, हो जाएगा ना आश्रम बोलते हैं। लेकिन मैं एक निर्णय करता हूँ, हमारा सुधीर है, कभी भी आकर गुरु से गुरु जी ये करो वो करो मांगता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे गुरु से कुछ भी ना मांगू, और अगर मैं सच्चे मार्ग पर चलता हूँ तो यह मंदिर जरूर होगा, बिना मांगे गुरु को मैं मांगता हूँ, गुरु जी को किसी प्रकार का टेंशन नहीं देना चाहता। सभी लोग कहते हैं कि गुरु जी को पूछो आप, गुरु जी को मांगने पर आपको गुरु जी देंगे ना, मांगने पर देने तो अरुण भी मांगेगा, सब लोग मांगे, मांगने पर देने से नहीं, अगर मैं सच्चा बेटा हूँ और मैं सच्चा गुरु कार्य कर रहा हूँ तो गुरु जी को यह कार्य करना ही है, अगर मैं नहीं हूँ तो नहीं होगा, अगर मैं सच्चा कार्य कर रहा हूँ तो जरूर सिद्धाश्रम के योगी के साथ देवता भी मेरा कार्य करने के लिए आगे आएंगे, यही इच्छा रखता हूँ। बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा, गुरु जी हमको बोले हम कोई साधना करते हैं आपके लिए। अभी रायपुर शर्मा कल बोल रहा था, गुरु जी आपने कहा था कि मंदिर होने तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं बोला तो ऐसा कुछ भी मत कर, जब तक मेरे को गुरु जी का जिस दिन नींव पड़ेगा उस दिन खाना छोड़ दूंगा और उसके लिए मुझे जो करना है मैं करूंगा। आप सब लोग केवल आनंद के साथ गुरु का जयघोष करें, गुरु मंत्र करें, बस मेरे लिए इतना है, आप मेरे लिए नहीं गुरु के लिए करें, बाकी का काम मैं संभालता हूँ, इतना सामर्थ्यवान हूँ, अगर जीऊंगा तो जरूर करके जाऊंगा और अच्छा हूँ और मैं सही कार्य कर रहा हूँ तो सिद्धाश्रम के योगियों को देवताओं को ये देना ही होगा और मेरे कार्य होगा ही होगा, चाहे कुछ देर हो सकती है लेकिन जरूर गुरु कार्य होगा, ऐसी आशा रखता हूँ। और आज का कार्यक्रम हम मौके कट से आरंभ करेंगे।